हेलो गाइस, दिस इज विकास एंड वेलकम टू सिंपलीफाई ब्लॉगिंग वंस अगेन। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक न्यूज लेकर आया हूँ। स्पेशली गूगल एडसेंस ने एक नया अपडेट निकाला है जो कि लिंक एड्स के ऊपर है। आपने देखा होगा वेबसाइट, बहुत सारी ब्लॉग्स एंड साइट्स में लिंक एड्स आपके वेबसाइट पे दिखाई करते थे, जो कि आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग आपके वेबसाइट पे लिंक एड्स दिखते थे। बट अब गूगल ने लिंक एड्स हटाने का फैसला किया है। कहने की अब वो लिंक एड्स अगर आपके पास आ रहे हैं तो वो डिस्प्ले एड्स की तरह ही दिखेंगे आप, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है गूगल की तरफ से। वैसे यार बताऊं कि लिंक टैग से वैसे भी है कुछ इतनी ज्यादा अर्निंग नहीं होती है। क्लिक्स तो आपको अभी वैसे कोरोना की वजह से वैसे भी काफी गूगल एडसेंस का जो है अर्निंग बहुत डाउन हो चुकी है। पहले के मुकाबले काफी कम पैसे मिलते हैं गूगल एडसेंस पे और सीपीसी भी बहुत कम मिलता है। तो अर्न आप लिंक एड्स से फायदा तो ये है कि आपके क्लिक्स तो आपके बहुत ज्यादा आते हैं बट अर्निंग इतनी अच्छी नहीं होती है। क्लिक्स आपका सीटीआर रेट आपका लिंक एड्स बढ़ा देते हैं बट अर्निंग बिल्कुल भी नहीं होती। अर्निंग बहुत कम होती है, कई बार होती है कई बार नहीं होती। हाँ, अगर डिपेंड करता है, अगर आपके यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से क्लिक आ रहे हैं तो आपकी अर्निंग अच्छी होगी। इंडिया से लिंक एड्स पे क्लिक आते हैं तो इतनी अच्छी अर्निंग नहीं होती। तो आपको आपको मेल भी मैं दिखा देता हूँ जो कि उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। तो गाइस, अभी मैंने मेल जीमेल खुलवाया, अभी मेरे पास मेल आया है गूगल एडसेंस का। ये देखिए यहाँ पे आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेल आया है, तो यहाँ पे आप देखते हैं रिटायरिंग लिंक एड्स, ठीक है। तो ये जो मेल आया है यहाँ पे रिटायरिंग लिंक एड्स, वी हैव डिसाइडेड टू रिटायर लिंक एड्स। दिस इज इन ऑर्डर टू मॉडर्नाइज अवर अवेलेबल एड फॉर्मेट्स बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम यूजर्स, पब्लिशर्स एंड एडवर्टाइजर्स, ठीक है। मतलब फ्रॉम 10/3, मतलब 10 तारीख से 10/3/2021, ठीक है। अभी तो आपको लिंक एड देखने को मिलेगा पर 10/3/2021 मतलब मार्च से आपको लिंक ऐड जो है आपको देखना नहीं मिलेंगे 2021 से बिल्कुल बनाई। यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू क्रिएट लिंक ऐड यूनिट्स। योर लिंक ऐड यूनिट्स विल बी रीनेम्ड विद प्रीवियसली लिंक ऐड यूनिट्स एडेड टू द एंड ऑफ ऐड यूनिट नेम। दिस विल अप्लाई टू बोथ रिस्पॉन्सिव एंड फिक्स साइज लिंक ऐड यूनिट, ठीक है। रिस्पॉन्सिव लिंक ऐड यूनिट्स विल बिगेन टू सेल्फ डिस्प्ले ऐड यूनिट्स ऑन योर साइट, ठीक है। अवर एक्सपेरिमेंट शोज अर्निंग, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है अवर, मतलब समझ सकते हो, मतलब यू विल नो लॉन्गर एबल टू क्रिएट, आप बिल्कुल भी लिंक एड्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और जो आपके जो आपने पहले से लिंक एड्स यूज बना रखी हैं वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव में चेंज जाएंगे डिस्प्ले एड्स के अंदर, ठीक है। और डिस्प्ले एड यूनिट सेव सर्व करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने फिक्स एड यूनिट भी बना रखी है तो वो भी स्टार्ट हो जाएगी डिस्प्ले एड के अंदर, चेंज हो जाएगी कहने का मतलब। अब ये देखो यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट इनका शो करता है कि मेजोरिटी ऑफ पब्लिशर रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स कैन परफॉर्म वेल एज लिंक एड्स, ठीक है। मतलब लिंक एड्स के बदले ये परफॉर्म ज्यादा अच्छा करते हैं। वी आर कॉन्स्टेंटली प्रोमिसिंग रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स, व्हाट टू डे इज नो एक्शन रिक्वायर्ड फॉर यू इन रिलेशन, आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। दीज विल बिगिन टू सर्व डिस्प्ले एड्स फ्रॉम 10/3/2021। वी रिकमेंड दैट यू रिमूव द फिक्स साइज लिंक एड यूनिट फ्रॉम योर साइट। अगर आपने फिक्स एड यूनिट्स अगर लगा रखी है तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं। अगर रिस्पॉन्सिव लिंक एड यूनिट लगा रही है तो उनको रिमूव करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले एड में कन्वर्ट हो जाएंगी। यू कैन लाइक ऑटो एड स्कैन योर साइट ऑटोमेटिकली प्लेस एंड, ठीक है। ये सब तो दे रखा है। तो ठीक है गाइस, तो इस तरीके से गूगल का जो अभी मैसेज आया है, तो अभी लिंक एड का जो ऑप्शन है वो रिटायर्ड हो गया है। लिंक एड जल्दी गूगल से बिल्कुल गायब होने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, ये एक अपडेट थी, न्यूज थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज विकास। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया।